क्लास हम चैप्टर रीड कर रहे थे संघवाद। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संघवाद क्या है। आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी है। ठीक है, जो भारत एक काफ़ी बड़ा देश है और यहाँ पर जो विविधताएं हैं उसके आधार पर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हमारे यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं उनको क्षेत्रीय और मतलब जो भाषाई विविधताएँ हैं उसके आधार पर बांटना जरूरी है। ठीक है, ये आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको कल आर्टिकल नंबर 1 भी कराया था। आर्टिकल नंबर जब हमने 1 किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर हमने फेडरलिज्म वर्ड का यूज़ नहीं किया है आर्टिकल नंबर 1 में, हमने यहाँ पर यूनियन वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, दिस इज़ द आर्टिकल नंबर 1। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखेंगे शक्ति विभाजन, जो हमारे यहाँ पर शक्तियों को विभाजित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो किस तरीके से किया गया है। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या जिसे केंद्रीय सरकार वे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एक पूरे देश को चलाती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य हैं, दोनों ही संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हैं और इनके जो कार्य हैं वो स्पष्ट हैं, क्लियर कर रखे हैं। पहले ये कभी विवाद हो जाए तो कौन सी शक्तियां केंद्र के पास होंगी और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय जो है वह न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही करेगी। कौन सी शक्ति कौन से राज्य के पास होनी चाहिए इसका जो निर्णय है वह किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। मतलब कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो उस विवाद को सुलझाया जाएगा किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास होती हैं और कौन सी केवल राज्यों सरकार के पास होती हैं। अगले पृष्ठ पर आपको चार्ट दिया गया है, वह मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसमें दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को कैसे बांटा गया है। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी हैं। राज्यों के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं, राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, पर आय के साधन क्या हैं इसके पास कम है। ठीक है, अब आपको ये लिस्ट याद भी करनी है। जनरली कॉम्पिटिटिव कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि यह जो विषय है वह केंद्र सरकार का है, केंद्रीय सूची के अंदर आता है या फिर वह राज्य सूची के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, तो एक होती है हमारे यहाँ पर संघ सूची, देखिए एक हमारे यहाँ पर क्या है संघ सूची, दूसरी हमारी संघ सूची किसके लिए है, जो हमारी संघीय सरकार सेंटर के लिए है। ठीक है, जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है बेटा, और राज्य सूची जो हमारे स्टेट हमारे प्रांत के लिए होती है। समवर्ती सूची को कंक्रीट लिस्ट भी बोलते हैं, कंक्रीट लिस्ट पे दोनों की दोनों जो स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं वो चीज़ें सभी किसके अंदर सम्मिलित हैं, सेंट्रल के अंदर। तो कौन कौन सी है, प्रतिरक्षा, ठीक है, जो डिफेंस वगैरह है, परमाणु जो ऊर्जा है, न्यूक्लियर जो पावर है, विदेशी मामले जितने हो गए, युद्ध और शांति से, बैंकिंग, रेलवे, डाक, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। ठीक है, इन सभी पर जो नियंत्रण है वह किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मुद्रा वगैरह पे जो व्यापार वगैरह ट्रेड वगैरह विदेशों के साथ हो रहा है, ठीक है, जो हमारी बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो जलीय जो हमारा व्यापार होता है पोर्ट्स के थ्रू, वो वायु सेवा, डाकताल, रेलवे, बैंकिंग, युद्ध और शांति, विदेशी मामले हैं और प्रतिरक्षा है। दूसरा इसमें क्या कहता है ये कि दूसरे मामले इसमें कौन से सम्मिलित हैं भाई, जैसे राज्य सरकार की बात करूँ तो देखिए कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन के अंदर हमारा 3-tier सिस्टम आ जाता है जिसमें ग्राम पंचायत और ये ग्राम समिति की बात की गई है, और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला अधिकारी जो होते हैं तो वो स्थानीय हमारा 3-tier सिस्टम। फिर उसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक जो लोक सेवा होती है। ठीक है, जैसे हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का जो PCS है, पब्लिक कमीशन सर्विस है, जो प्रदेश के अनुसार जो लोक सेवा होगी वो भी इसमें सम्मिलित है। फिर समवर्ती सूची की बात करते हैं, देखिए जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्ताक्षर करना, और वन जो है मजदूर संघ है, सामानों में मिलावट जो उपभोक्ता से संबंधित है, ठीक है, कंज्यूमर राइट्स से संबंधित है, गोद लेना या उत्तराधिकार, ये सभी की सभी चीज़ें किसमें सम्मिलित है, हमारी कंक्रीट लिस्ट के अंदर सम्मिलित हैं।
आइए अब आगे चलते हैं। सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अमूनन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक उपमहाद्वीप की एक महाद्वीप की तरह विशाल है। यहाँ पर जो है वह बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, सामाजिक समस्याओं से यह भरा हुआ है। आपको पता है यहाँ पे कल्चर में भी डाइवर्सिटी है, रिलीजन में भी है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी की जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हैं, तो डाइवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके। जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था, उनकी सोच ये थी कि हमें एक ऐसा संविधान, एक ऐसे संघीय संविधान की ज़रूरत थे जिसके अंदर ये सभी विविधताएं जो हैं वह समेटी जाएं। पर वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थीं क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ गठित प्रांत थे बल्कि 500 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या थी, केंद्र रियासतें थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों में गठन होना था, ठीक है। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। यहाँ पर क्या बात की गई है कि जो हमारे देश की एकता बनाए रखने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे वे चाहते थे कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनका भी मतलब एक शक्तिशाली समाधान जो है एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही करे। ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी है, निरक्षरता है, आर्थिक असमानता है आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए नियोजन, प्लानिंग व समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वह काफ़ी ज़रूरी है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी है। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करें। फर्स्ट देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, वो देख लेते हैं जो केंद्रीय सरकार को की स्थापना करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद नियंत्रण करती है। देखिए किसी राज्य का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, जो भी उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं उनका नियंत्रण संविधान के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद का जो अनुच्छेद नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर जो 3 है के अनुसार संसद किसी राज्य में या उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। देखिए किसी एक राज्य में से दो राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है, मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वे किसी राज्य की सीमाओं का नाम या परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। यदि किसी राज्य के नाम या परिवर्तन मतलब वह कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देता है। जो विधानमंडल है, ठीक है, मैंने आपको जो विधायिका पढ़ाया था चैप्टर, तो विधायिका में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय स्तर पर यदि मैं विधायिका की बात करूं तो वहां पर हमारा संसद के दो पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन में उसे डिवाइड किया गया है। और उसके बाद जब मैंने राज्य स्तर पर विधायिका की एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैंने वहाँ आपको क्लियर किया था एक विधानमंडल होता है जिसे विधानसभा भी आप कह सकते हैं, एक विधान परिषद होती है, ठीक है। तो जनरली सिर्फ कुछ स्टेट्स ही ऐसे थे जहाँ पर विधान परिषद थी, अदरवाइज सभी स्टेट्स में विधानसभा है। तो विधानसभा का जो विधानमंडल है मतलब विधानमंडल में भी विचार करने के लिए यह चीज़ भेजी जाती है, मतलब कहीं शक्ति का दुरुपयोग ना हो जाए इस वजह से, मतलब जो संसद है वह इस चीज़ पर अकेली ही निर्णय नहीं लेती है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। देखिए जब भी कभी इमरजेंसी की बात आती है, ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वह इनएक्टिव हो जाती है और टोटली जो इन्फ्लुएंस है वो किसका होता है, केंद्रीय सरकार का होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें मतलब जो केंद्रीय सरकार है वह ज़्यादा बलशाली है। आपातकाल जो है इमरजेंसी प्रोविजंस का कौन कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगते हैं बेटा, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। 360 में जो हमें इमरजेंसी दी गई है विच इज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है,
तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वह हमारे देश में आज तक कभी भी नहीं लगी है, ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई है कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़े। 352 और 356 में जो इमरजेंसी एक्सप्लेन की गई है वो हमारे यहाँ पर 352 मतलब 356 जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होता है उसमें लग जाती है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस या सरकार का तख्ता पलट हो जाए तो 356 जिसे प्रेजिडेंट टूल बोला गया है, एंड 352 की यदि बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड आउटर जो डिस्टर्बेंस युद्ध वगैरह की जो स्थिति हो जाती है उस सिचुएशन में यह इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसके पावर जो है वह शक्ति जो है वह एकीकृत हो जाती है, वह ज़्यादा बलशाली शक्तिशाली हो जाती है। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के लिए अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। देखिए, जब भी मतलब वित्त की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया मुद्रा से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर देखिए आपको बताया था, जो मैंने आपको संघ सूची बताई थी, ठीक है, जिसे आप क्या संघ सूची की जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी तो उसमें ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया है। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत जो है वह केंद्र सरकार के हाथ में ही सिमटी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नियोजन योजना आयोग राज्य के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार है वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके राज्यों को या तो अनुदान देती है या ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण भी है असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभाव रवैया अपनाती है। ठीक है, जो मतलब जो सरकार है वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके ही मतलब राज्यों को ऋण प्रोवाइड कराती है और इसी चीज़ पे यह आरोप भी लगाया जाता है जो विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वह आरोप लगाते हैं कि जो शासित राज्य के प्रति मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जैसा कि आपने आगे पढ़ेंगे कि राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि जो हमारा गवर्नर होता है उसके पास यह शक्ति होती है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वे विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके अतिरिक्त या किस परिस्थिति में राज्यपाल को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वे विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वे किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सकती हैं। ठीक है, डिले कर सकती है यदि जो हमारा गवर्नर है वो मतलब विधेयक को संरक्षित रख ले राष्ट्रपति के लिए, तो ऐसे यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन्हें निषेधाधिकार का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार भी सकते हैं। यदि वह अपनी वेटो पावर का प्रयोग करता है तो वह विधेयक पूर्णतः रद्द हो सकता है, उसे नकारा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। ठीक है, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेनी आवश्यक है। देखिए, केंद्र सरकार जो है वह राज्य सूची के विषयों पर भी कोई कानून बना सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में मतलब जो केंद्रीय सरकार है उसे राज्यसभा जो है उससे अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा है। यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो केंद्रीय कार्यपालिका की जो पावर है, ठीक है, वह प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा हो गई। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान की देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर कितना है, 257 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। देखिए, प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्ति को इस तरीके से प्रयोग कर सकता है जिससे संघ की कार्यपालिका है उसमें कोई अड़चन पैदा ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव
कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा है कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एक घेरी है, ठीक है। अखिल भारतीय जो सेवाएँ हैं पूरे देश के लिए हैं, इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। जो UPSC की यहाँ पर बात की गई है, तो जिसके जो चयनित अधिकारी होंगे राज्यों के प्रशासन में भी वह कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ये पुलिस कमिश्नर की बात की गई है, जो जिलाधीश वगैरह हैं तो इन पर जो कंट्रोल है वह किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। राज्य ना तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। ये जो राइट्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं, ये राइट्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। अब आगे देखिए, संविधान के दो अन्य अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 33 एंड आर्टिकल नंबर 34, जिसके अंदर बताया गया है कि जो संघ सरकार की शक्ति को स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो, ठीक है। सैनिक शासन जब वहाँ पर लागू हो जाएगा तो उस सिचुएशन में जो संघ सरकार, जिसे केंद्रीय सरकार हम कहते हैं, उसकी पावर जो है वह ज़्यादा हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 33 एंड आर्टिकल नंबर 34। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकार के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानून जायज करार दे सकें। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम बनाया गया है। इसे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हो जाता है।